तनु इट्स मनु राजमा जैसी फिल्मों के निर्देशक आनंद एल रॉय ने इस साल की शुरुआत में अपनी फिल्म जीरो के नए विमर्श को जन्म दिया। उनकी इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली फिल्म काफी चर्चाओं में है। ये फिल्म है जीरो। टीजर को देखकर ये अनुमान और कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म आनंद और शाहरुख दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। फिल्म जीरो में भले ही शाहरुख बौने बने हो, लेकिन क्या असल जिंदगी में बौने लोगों को लोग शाहरुख की तरह ही देखना पसंद करते हैं, या फिर ये सिर्फ फिल्मी सीन है? आज टीवी और सिनेमा की दुनिया में असली बौने कलाकार अपनी प्रतिभा के बल पर जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। ये बात अलग है कि वो इतने फेमस नहीं है जितना शाहरुख बौने बनकर हो गए हों। आइए जानते हैं कौन है वो बौने कलाकार जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और इसी समाज में मिले अपमान की घूंट पीकर भी वो उन्हें जवाब देने में सक्षम है। शाहरुख भले ही अपनी फिल्म जीरो के टीजर में कह रहे हों कि हम जिसके पीछे लगते हैं लाइव बना देते हैं, लेकिन क्या असल जिंदगी में बौनों ने खुद से ही ये मुकाम हासिल किया है? आइए आपको बताते हैं रियल लाइफ के ये सल्यूट करने वाले वो बौने जिन्होंने अपनी एक खास उपस्थिति दर्ज कराई है। के गोस्वामी। 3 फीट की लंबाई वाले अभिनेता के गोस्वामी का शुरुआती दौर भले ही कठिन रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर साबित कर दिया कि लंबाई उनके सपनों की आड़े नहीं आ सकती। मुजफ्फरनगर बिहार में जन्मे के गोस्वामी ने अपने आसपास के लोगों की इतनी यातनाएं और अपमान सहे हैं कि उन्हें वो आज भी याद करके रोते हैं। सोर्सेस की माने तो केके का कहना है कि टीवी और फिल्म की दुनिया में आज भले ही छोटे कद के लोगों को काम मिल रहा हो, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर काफी मुश्किलों भरा और लंबा है। शक्तिमान, आर्यमान, ब्रह्मांड का देवता, विकराल, गबराल, CID, भाभी जी घर पर है जैसे सीरियलों में काम कर चुके केके आज अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। केके गोस्वामी को टीवी पर देख रहे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि वही केके हैं जिन्हें महज 10 साल की उम्र में सर्कस वाले लेकर जाने आए थे। पिता का उनसे गहरा प्यार न होता 50,000 में वो कब का बिक चुके होते। बाद में स्कूलिंग के दौरान सहपाठियों ने इतना तंग किया कि उन्हें अपनी पढ़ाई ही छोड़नी पड़ी। जब शादी हुई तो ससुराल वालों ने भी काफी परेशान किया। भोजपुरी फिल्मों से करियर की शुरुआत करने वाले केके आज अपनी खुद की पहचान के लिए जाने जाते हैं, ना किसी सीन में भीड़ का हिस्सा बनकर। अब तक केके 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। टीवी पर गुटरगू सीरियल में वो बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी केके की जिंदगी में एक पल ऐसा भी आता है जब वो अपने बेटे के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में खुद न जाकर अपनी वाइफ को भेजते हैं ताकि छोटे कद की वजह से बेटे को शर्मिंदा न होना पड़े। लिलीपुट। MM फारूकी आम अभिनेताओं की तरह मुंबई आकर अपना नाम बदलकर लिलीपुट रख चुके हैं। लगभग 30 साल तक फिल्म और टीवी की दुनिया में हंसते हंसाने का काम कर चुके लिलीपुट ने ये सब आसानी से नहीं पा लिया है। 75 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने वाले वो शायद पहले बौने कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई थी। हालांकि उनकी असल पहचान 90 के दशक की फिल्मों से होती है। टीवी पर उन्होंने देख भाई देख सीरियल से अपनी पहचान बनाई, पर लंबे वक्त तक हिट रहने वाला ये कलाकार आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बौनों के लिए अवसर वैसे भी कम है। वहीं उस कलाकार के आखिरी दिनों की हालत और भी खराब हो सकती है। वो बंटी और बबली, स्वर्ग, ऐलान जंग आदि फिल्मों में उनकी एक्टिंग को सिर्फ हंसाने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य बौनों लोगों के लिए उम्मीद के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। जूही असलम। जाहिर है सिनेमा और टीवी की दुनिया में महिलाओं की स्थिति अब भी सम्मानजनक नहीं है। ऐसे में बौनी महिला अभिनेत्री के लिए क्या स्थिति होगी, इसका जवाब हमें 3 फुट 6 इंच की जूही असलम की मेहनत और काबिलियत से मिल सकता है। टीवी के चर्चित सीरियल बाबा ऐसा वर ढूंढो में बहू का किरदार निभाने वाली आगरा की जूही ने न सिर्फ लीड भूमिका निभाई बल्कि वो छोटे कद की महिलाओं के लिए उम्मीद की रोशनी बनकर आईं। जूही असलम अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें दमदार कैरेक्टर ऑफर्स हो रहे हैं, नहीं तो उनकी भी स्थिति सिर्फ हंसने हंसाने तक ही सीमित रह जाती। आज भी बौनों के लिए ये इंडस्ट्री और समाज सकारात्मक सोच नहीं रखता। हमें अपनी दुनिया खुद सशक्त बनानी है। जूही अब तक जोधा अकबर, बड़ो बहू सहित कई शोज में नजर आ चुकी हैं, तो वाकई इन रियल बौने कलाकारों के जिंदगी के संघर्ष को भुला पाना आसान नहीं, और शायद ये भी कभी उस दौर को नहीं भूल पाएंगे जब इन्हें अपमान सहना पड़ा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि शाहरुख की जीरो में क्या बौनों की समस्या को दिखाया जाएगा या फिर ये सिर्फ हंसने हंसाने जैसा ही कुछ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।